नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार पॉपकॉर्न टाकीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे फनकार से मिलवाने ले जा रहे हैं जिनका नाम है रोहतास नाथ। जी हां, पूरे भारत में इनके नाम का डंका बजता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके रोहतास नाथ, जिनके बीन वादन को सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फिर लुत्फ उठाते हैं इनके बीन वादन का। हमारा भारत देश शुरू से ही कला और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चलिए तो फिर बात करते हैं रोहतास नाथ जी से। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए बाबा। परिचय सर, मेरा नाम रोहतास नाथ जी है। जी, कहां से हैं? मैं सर वैसे तो रहने वाला तो फरीदाबाद हरियाणा से हूं। जी। अब चिश्तिया में दिल्ली में हूं। मैंने अभी तक आपके बारे में सुना है कि आपको कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी
मिला है सर। देखिए सर, मैं अपनी दिल्ली में भी जो खेल हुआ था, ये अपना खेल जो हुआ था उसका आज ही, तो उसमें भी मैंने नेहरू स्टेडियम में 120 सपेरे ने बीन बजाया था। हाँ जी, अपने भारत का नाम रोशन किया उसके खेल के अंदर भी। हाँ जी, फिर मैं बाहर कंट्री में भी चाइना में बजाया था 10 आवर्स, वहाँ पर भी सर मैंने फिल्म भी बनाई आमिर खान के साथ, तुम मेरे हो। फिर एक रजिया सुल्ताना बनाई धर्मेंद्र हेमामालिनी ने, वो रेगिस्तान हुई थी इसकी शूटिंग, वहाँ पर भी बनाया सर। बस कितने साल से आप ये बीन बजाते आ रहे हैं? सर बीन तो मैं ऐसा 10-12 साल का था, उस टाइम से मैं बीन अपना सीखना शुरू कर दिया था। अभी तक हमने आज तक जितने भी जो बीन वाले देखे हैं वो हमेशा साथ में नाग और ये सब चीजें लेके चलते थे, तो क्या आपने भी कभी इस तरह का कुछ रखा? देखो सर, पहले हमारा जो सपेरा समाज है, हम लोग सांप से ही सपेरा बोला जाता है, तो हम लोग पहले हमारे पास सांप थे, हम लोग सांप रखते थे, उनको खाना वाना दूध पानी जो भी कुछ मीट मच्छी खाते थे वो लोग, तो उनको खिलाते थे, वो हमारी रोजी रोटी थी, उसको हम पालते थे, उसको रखते थे। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में बैन लगा दिया, तो सर उस सांपों को अब हम रखते नहीं, उसको जंगल में छोड़ दिया, कुछ फॉरेस्ट वालों ने ले लिया। अब चिड़ियाघर के अंदर सर कैद किया हुआ जानवरों को, देखो सपेरे के पास क्या कैद है, सपेरे तो दिखाता था उसको छोड़ देता था होली पे दिवाली पे, है सर। अपने हिंदुस्तान में लाखों मुर्गा बकरा गाय भैंस कटरी है, उनके गवर्नमेंट लाइसेंस बना के दी तो दुकानों पे काट के बेच रहे। सरकार को कभी जरूरत पड़ती होगी सपेरों की कुछ ऐसी जगहों पे तो बुलाती है? हाँ सर, किसी घर में सांप निकल जाता है, लोग हमें बुलाते हैं, किसी को काट खाता तो हमारे गांव में लेके आदमियों को जाते हैं, हम इनको ठीक भी करते हैं, उनके घरों से सांप भी पकड़ लेते हैं, इनका डर भी खत्म कर देते हैं। दिल्ली से पॉपकॉर्न टॉकीज के लिए लोकेश कुमार की रिपोर्ट।